हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक जेप्रो ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर स्टार्टर है। इस स्टार्टर के जरिए आप किसी भी सिंगल फेज वाटर पंप मोटर को रन कर सकते हैं एवं आप इस स्टार्टर का यूज एज ए ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर की तरह भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास यह जो स्टार्टर है यह 2-in-1 स्टार्टर है। यदि आप इस स्टार्टर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको किसी भी अदर स्टार्टर की या कॉन्ट्रेक्टर को कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप यहाँ पर इसे ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का फंक्शन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टार्टर की वर्किंग किस तरह से होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हर एक स्टेप को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर होती है। तो यदि आपके पास एक ओवरहेड टैंक है और एक अंडरग्राउंड टैंक है, अब जैसे पानी का जितना भी फ्लो होता है वो ओवरहेड टैंक के जरिए होता है। यदि आपका ओवरहेड टैंक में पानी का लेवल कम हो गया है तो उस कंडीशन में आपकी वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और अंडरग्राउंड टैंक से पानी आपका ओवरहेड टैंक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा या जितना भी फंक्शन होगा ये ऑटोमेटिकली होगा। इसमें आपको मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब है, जब भी आपका ओवरहेड टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो वहां पर हमें एक सेंसर को सेट करना होगा जिसे सेंस करके आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो किस तरह सेंसर की सेटिंग की जाएगी, किस तरह मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होगी, यदि आपकी मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप नहीं करना है और मैन्युअली पुश बटन के जरिए करना है तो मैन्युअली पुश बटन के जरिए भी किस तरह की जाएगी, इसके लिए सेंसर की प्रॉपर सेटिंग किस तरह की जाएगी, ऑटो और मैनुअल का फंक्शन किस तरह वर्क करेगा, सब कुछ हम समझने वाले हैं। देखिए, इस कंट्रोलर के लिए हमें 6 सेंसर को कनेक्ट करना होगा। 3 सेंसर को हमें ओवरहेड टैंक में कनेक्ट करना होगा और 3 सेंसर को हमें अंडरग्राउंड टैंक में कनेक्ट करना होगा। चलिए, सबसे पहले हम सेंसर की सेटिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास 2 टैंक है, एक ओवरहेड टैंक और एक अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक से पानी ओवरहेड टैंक तक ले जाने के लिए हमारे पास एक वाटर पंप मोटर है। सबसे पहले अंडरग्राउंड टैंक में सेंसर की सेटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट सेंसर होता है उसे हमें बॉटम में इंस्टॉल करना होता है, जो कि हमारे पास कॉमन सेंसर होता है। इसे हमें सबसे बॉटम में इंस्टॉल करना होता है। एक हमारे पास होता है अंडरग्राउंड टैंक का लोअर लेवल, दैट मीन्स यह सेंसर जब पानी से खुला हुआ होता है, दैट मीन्स इसे हमें नॉर्मली 25% या 20% पर सेट करना होता है। यह सेंसर जब भी पानी से खुला हुआ होगा, दैट मीन्स उस कंडीशन में हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल कम होगा, तो यह सेंसर जब भी पानी से खुलता है उस कंडीशन में हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में पानी काफ़ी कम होता है। इस कंडीशन में हमें यहाँ पर ड्राई रन प्रोटेक्शन मिलता है, दैट मीन्स हमारी मोटर कभी भी खाली नहीं घूमती है। यदि अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो हमारी जो मोटर है वह खाली नहीं घूमेगी। इससे हमारी मोटर का मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, मोटर को भी काफ़ी एडवांटेज होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सेव होता है, जिससे हमारी मोटर खाली नहीं चलती है। एक हमें सेंसर होता है अंडरग्राउंड टैंक हायर लेवल, इसे नॉर्मली हम 50-70% पर इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि सेंसर हमें इंडिकेशन देता रहता है टैंक में अभी पानी का लेवल कितना है, तो ये सेंसर हमें इंडिकेशन के लिए यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। देखिए, अब हमें ओवरहेड टैंक में सेंसर की कनेक्शन समझना है, तो ओवरहेड टैंक में भी हमें एक सेंसर बॉटम में इंस्टॉल करना होता है। एक सेंसर, देखिए, हमें नॉर्मली जहाँ पर हम चाहते हैं हमारा टैंक इतना खाली हो उसके बाद वाटर पंप मोटर ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए, तो इसे हमें नॉर्मली 30-50% पर रख देना है। जब भी हमारा ओवरहेड टैंक इतना खाली होगा, जब भी हमारा सेंसर ये पानी से खुलता है, उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। तो हमें जितना ओवरहेड टैंक खाली हो और मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए उतने पर इसकी सेटिंग को कर देना है। प्रैक्टिकली भी हम समझने वाले किस तरह से की जाएगी। और एक देखिए, ओवरफ्लो से बचाने के लिए ओवरहेड टैंक में हायर लेवल एक सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, जिससे हमारे टैंक में कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। चलिए, अब हम समझ लेते हैं किस तरह से इसकी वर्किंग रहती है। देखिए, हमारे पास जो ओवरहेड टैंक है अभी इसमें भी पानी का लेवल फुल है और अंडरग्राउंड टैंक में भी पानी का लेवल फुल है, क्योंकि जितना भी पानी का यूज़ किया जाता है वो ओवरहेड टैंक से किया जाता है। सपोज ओवरहेड टैंक से पानी का यूज़ किया जा रहा है और ओवरहेड टैंक में पानी का लेवल कम हो चुका है,
अब देखिए हमने यहाँ पर एक सेंसर को इंस्टॉल किया है। जैसे ये सेंसर हमारा पानी से खुलता है, देखिए जैसे ये पानी का लेवल कम हुआ और ये सेंसर हमारा पानी से खुला, उस कंडीशन में हमारे पास जो ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर स्टार्टर है वो हमारे वाटर पंप मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है और यहाँ से जो अंडरग्राउंड टैंक में पानी है यह ओवरहेड टैंक में आ जाता है। देखिए यहाँ पर पानी का लेवल कम हुआ है और यहाँ पर देखिए हमारे ओवरहेड टैंक में पानी बढ़ रहा है। देखिए कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारा जो ओवरहेड टैंक है पूरी तरह से भर जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने एक सेंसर इंस्टॉल किया है, जैसे ये सेंसर को पानी टच होता है हमारा ओवरफ्लो के लिए ये सेंसर वर्क करता है और हमारी मोटर को स्टॉप कर देता है, जिससे हमारे पास जो टैंक है इससे कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। अब देखिए अंडरग्राउंड टैंक में ये सेंसर पानी से खुल चुका है। जब ये सेंसर पानी से खुल जाएगा उस कंडीशन में अंडरग्राउंड टैंक में हमारे पास पानी का लेवल कम है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास कंट्रोलर मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। तो इस कंट्रोलर को इंस्टॉल करने के आपको कई बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है जिससे आपकी मोटर कभी भी खाली नहीं चलती है, कभी भी आपका वाटर ओवरफ्लो नहीं होता है, जिससे आपका वाटर भी वेस्टेज में नहीं जाता है। मोटर आपकी खाली नहीं चलेगी तो आपको मोटर का मेंटेनेंस भी कम रहेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा और आपको बार बार पानी का लेवल चेक भी नहीं करना होगा। तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट के जरिए मोटर को स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंट्रोलर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, सेंसर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। यहां पर देखिए आपको इनपुट फेज न्यूट्रल दिया गया है। यहां पर आपको 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट कर देना है फेज एंड न्यूट्रल, और जो आउटपुट दिया गया है यहां से दो वायर आपके मोटर टर्मिनल में जाने वाले है। यहां पर देखिए आपको ऑटो एंड मैनुअल के लिए स्विच दिया गया है। यदि आप यहां पर ऑटो में सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो मोटर है वह सेंसर के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप होती रहती है, बट यदि आप इसे मैनुअल सिलेक्ट करते हैं तो मैनुअल सिलेक्ट करने से आपकी जो मोटर है वो पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप होगी। और इस कंट्रोलर का जो बेस्ट फंक्शन है, यदि आप इसे मैनुअल सिलेक्ट करके मोटर को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के जरिए भी करते हैं तो भी आपकी मोटर सेंसर के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट स्टॉप होगी। ये कंट्रोलर का बेस्ट फंक्शन है। देखिए चूंकि हमें यहां पर सेंसर भी कनेक्ट करना है जो कि हमें टैंक तक लेकर जाना है, तो देखिए सेंसर में यहां पर वायर को बढ़ाने के लिए देखिए यहां पर हमें कनेक्टर कनेक्ट करना होगा इस तरह से। देखिए यहां पर हमें वायर्स जॉइंट करना होगे क्योंकि 6 वायर हमें टैंक तक लेकर जाना है, 3 वायर हमें ओवरहेड टैंक तक लेकर जाना है और 3 वायर अंडरग्राउंड टैंक तक। देखिए जैसे कि हमने सेंसर कनेक्शन सीखा था, यहां पे ग्राउंड और यूएल जो दिया गया है ये अंडरग्राउंड टैंक लोअर लेवल और अंडरग्राउंड टैंक हायर लेवल के लिए दिया गया है। तो 3 कनेक्शन हमें यहां पर अंडरग्राउंड टैंक में लेकर जाना है और यहां से 3 कनेक्शन हमें ओवरहेड टैंक में लेकर जाना है। जो जी दिया गया है इसे आप ग्राउंड या कॉमन कह सकते हैं, और एक हमारे पास ओवरहेड टैंक हायर लेवल और एक ओवरहेड टैंक लोअर लेवल दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो बड़ा टैंक है उसे हम अंडरग्राउंड टैंक की तरह यूज कर रहे हैं और जो छोटा टैंक है उसे हम ओवरहेड टैंक की तरह यूज कर रहे हैं। देखिए यहां पर हमने एक वाटर पंप मोटर भी इंस्टॉल किया है ताकि सभी कनेक्शन आपको प्रैक्टिकली दिख सके। देखिए यहां पर हमने कंट्रोलर का कनेक्शन भी किया है और इसे अभी हमने ऑटो पर सिलेक्ट किया है, दैट मींस हमारी जो वाटर पंप मोटर है वह सेंसर के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट स्टॉप होगी। देखिए यहां पर हर एक स्टेप को हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंट्रोलर में सेंसर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम अंडरग्राउंड टैंक के लिए सेंसर कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो जी वाला वायर दिया गया है वह कॉमन वायर है जिसे हमें बॉटम में इंस्टॉल करना है, और देखिए हमने 2 सेंसर और इंस्टॉल किए हैं, अंडरग्राउंड टैंक लोअर लेवल और अंडरग्राउंड टैंक हायर लेवल। देखिए जो जी वाला वायर है या जो कॉमन वाला वायर है इसे आपको देखिए जो आपका टैंक है उसमें आपको इस तरह से पहले या तो होल कर लेना है या आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इस तरह से हमने सेंसर डाला, इसे हमने जो चीक वाला वायर इसे बॉटम में डाल देना है। देखिए जस्ट बॉटम में इसे हमें डाल देना है, ये कॉमन सेंसर भी कहलाता है।
देखिए अब हमारे पास जो अंडरग्राउंड टैंक में लोअर लेवल का सेंसर है इसे हमें नॉर्मली 20-25% बॉटम में इंस्टॉल करना है ताकि जब भी हमारा सेंसर यह पानी से खुलता है दैट मीन्स हमारे टैंक में पानी नहीं है तो ये मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। देखिए इसे हमें नॉर्मली 20-25% पर इंस्टॉल करना है। अब देखिए हमारे पास जो ओवर जो अंडरग्राउंड टैंक का हायर लेवल का सेंसर है इसे हमें नॉर्मली 60-70% पर इंस्टॉल कर देना है जिससे हमारा जो कंट्रोलर है ये बताते रहेगा हमारे पास जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें पानी का लेवल कितना है। चलिए अब हमारे पास जो ओवरहेड टैंक है ओवरहेड टैंक के लिए भी हम सेंसर का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमने कॉमन सेंसर कनेक्ट किया, अब हमें ओवरहेड टैंक में लोअर लेवल कनेक्ट कर देना है और ओवरहेड टैंक में हायर लेवल का एक सेंसर कनेक्ट कर देना है। दैट मींस दोनों टैंक में हमें तीन तीन सेंसर के लिए कनेक्शन कर देना है। देखिए सबसे पहले हम कॉमन सेंसर को इंस्टॉल कर देते हैं जो हमारे पास ओवरहेड टैंक है इसे हमें बॉटम में इंस्टॉल कर देना है कुछ इस तरह से। देखिए इसे बॉटम में इंस्टॉल कर दिया है, सेंसर की सेटिंग आप प्रॉपर कीजिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोअर लेवल का सेंसर है दैट मींस टैंक हमारा कितना खाली हो तब मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए उसे आपको उस हिसाब से इंस्टॉल करना है और ये आपके ओवरफ्लो के लिए एक सेंसर आपको कनेक्ट करना है तो इसे हम टॉप पर कनेक्ट कर देते हैं जिससे हमारा ओवरफ्लो प्रोटेक्शन हमें मिले। चलिए अब हमें पाइप को इंस्टॉल कर देना है, जो हमारा इनपुट पाइप है इसे हमें बॉटम तक इंस्टॉल करना है ताकि पानी इसे खींचा जा सके। देखिए बॉटम में इंस्टॉल कर दिया है और इसे हमें इस टैंक में पानी भरना जैसे हमें टॉप पर इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए अभी हमने कंट्रोलर में सप्लाई स्टार्ट कर दिया है और कंट्रोलर को ऑटो पर सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पर इंडिकेशन देख सकते हैं कौन कौन सा सेंसर आपका पानी में डूबा हुआ है, ये इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी टैंक में कितना पानी है। देखिए अभी हमारे पास जो ओवरहेड टैंक है उसका जो लोअर लेवल सेंसर ये पानी में डूबा हुआ है दैट मींस अभी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ये सेंसर जैसे ही पानी के बाहर आता है तो हमारी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। देखिए जैसे ही सेंसर पानी के बाहर आया तो हमारी मोटर वाटर पंप मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। देखिए वाटर पंप मोटर स्टार्ट हो चुकी है, अब यह कब तक चलेगी तो जब तक हमारा जो हमारे पास हायर लेवल का सेंसर है यह पानी में नहीं डूब जाता जब तक हमारा वाटर पंप मोटर रन करता रहेगा। देखिए सपोज पानी का लेवल बढ़ते जाता है और जैसे ये सेंसर टच होता है तो हमारी वाटर पंप मोटर स्टॉप हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए जैसे सेंसर पानी के बाहर आया तो वाटर पंप मोटर स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अब टैंक में पानी फुल भराता जाता है और जैसे ही ओवरहेड टैंक जो हायर लेवल का सेंसर पानी में डूबता है तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। देखिए इस तरह से आई होप आपको इसकी वर्किंग क्लियर हुई हो। देखिए जैसे ही सेंसर हमारा फर्स्ट सेंसर खुलता है तो हमारी मोटर स्टार्ट होती है और जैसे सेकंड सेंसर पानी में डूबता है तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। देखिए अभी हमारे पास चारों इंडिकेशन हमारे ग्लो कर रहे हैं दैट मींस हमारा टैंक जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए अब अंडरग्राउंड टैंक में देखिए अभी नॉर्मली हमारा सेंसर यहाँ पर डूबा हुआ है दैट मींस टैंक में पानी है तभी हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट। तो देखिए हमारी मोटर नॉर्मली अभी स्टार्ट होती रहेगी क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में सेंसर पानी में डूबा हुआ है दैट मींस अभी अंडरग्राउंड टैंक में पानी है। देखिए अभी यहाँ पर नॉर्मली हमारे ओवरहेड टैंक में सेंसर के अकॉर्डिंग पानी आ रहा है, अब हम अंडरग्राउंड टैंक में सेंसर को ऊपर कर लेते हैं दैट मींस अंडरग्राउंड टैंक में यदि पानी नहीं रहेगा तब क्या होगा। देखिए अभी हम यहाँ पर सेंसर के लेवल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सेंसर के लेवल को जैसा ही ऊपर किया जाएगा दैट मींस अंडरग्राउंड टैंक में अभी पानी नहीं है उस कंडीशन में देखिए हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट नहीं होगी। जब अंडरग्राउंड टैंक में पानी रहेगा तभी हमारी मोटर स्टार्ट होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल कम हो जाता है तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। देखिए अब हम इसे मैनुअल कर देख लेते हैं। देखिए अभी इसे हमने मैनुअल पर सिलेक्ट किया है, अब हम इसे पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। देखिए पुश बटन के जरिए हम स्टार्ट स्टॉप कर लेते हैं किस तरह वर्क कर रही है। देखिए हमारी वाटर पंप मोटर जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो हमारी मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैनुअली हमने यहाँ पर अभी इसे स्टार्ट किया है बट मैनुअल होने के बाद भी आपका कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा क्योंकि सेंसर के अकॉर्डिंग आपकी मोटर यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप होने वाली है। यह इस कंट्रोलर का बेस्ट फंक्शन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे और ऐसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही,
थैंक्स फ्रेंड्स।